नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक आपसे निवेदन रहेगा, बहुत सारे भाई वीडियो देखने के बाद में सीधे निकल जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। उससे आपका समर्थन बहुत ज़्यादा मिलेगा और उससे हमें बहुत फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हमारा जो सोच है, विषय है, विचार है, वो सभी मित्रों तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों, आज एक बरसात का मौसम है और बारिश हुई थी कल अच्छी, तो पूरी रेत मिट्टी आप देख सकते हैं। तो आपको बहुत दिनों से बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भी फार्म का वीडियो दिखा नहीं पा रहे, तो आपको आज वीडियो दिखाते हैं। ये वही शेड है जिसे हमेशा मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बने हुए। और ये आज आपको पूरा फार्म घुमाऊँगा। लगभग ये सारी बछड़ियाँ जो तैयार की हमने, जो बछड़ियाँ तैयार हुई है सारी, इस पीढ़ी वाली जो तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है हमारी, वो बछड़ियाँ सारी, तो बहुत सुंदर बछड़ियाँ। इस बार जो सबसे अच्छा काम हुआ वो ये हुआ कि लगभग 22 में से 18 तो इसमें बछड़िया ही हुई है और 4 ही नंदी हुए हैं। और वो आप पीछे जो देख रहे हैं वो रानी की बेटी है, रानी वन। और ये हमारे ब्राह्मण 200 आ गए, बहुत दिनों से आप देख नहीं पा रहे थे, 10 वर्ष के हो गए हैं ब्राह्मण 200। एक नंदी क्या कर सकता है, वो रिजल्ट एक ये फार्म है कि नंदी की क्या क्षमता है। दोस्तों, पूरा मिट्टी वाला जो बीच कॉन्सेप्ट है वो आप देख ही रहे, सारी मिट्टी और पूरा व्यवस्थित है। अभी बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ लगाए हैं ताकि गर्मी के समय में जो हवा है वो ज़्यादा गर्म नहीं आए, तो उसके लिए सारे पेड़ चारों तरफ लगा दिए हैं। और ये जो अभी गोमाता है सारी खुले में विचरण कर रही है, और ये जो ब्रश है जो वो गोमाता है अपने आके इस ब्रश से खुजली करती रहती है, उसका एग्जांपल आप 140 जो रानी कहते हैं, तो रानी को देख सकते हैं जो खुजली करते हुए। जो अच्छी अच्छी गाय वो सारी आज आपको दिखाते हैं। ये 140 आप देखेंगे तो 130 का भी दूध बहुत अच्छा है, 118 अभी ब्याने वाली है। मैं निवेदन करूँगा कि पूरा एकदम अडर वगैरह शेप वगैरह पूरा दिखा दे। अब 118 है जो ब्याने वाली है, अभी दूसरा नहीं तीसरा बच्चा देगी, सॉरी 100। और ये गोमाता भी बहुत, इनका तो मैं विश्वास ही नहीं था इतनी अच्छी तैयार होगी, पर दूध में भी बहुत अच्छी, पहले भी आदमी 16 लीटर दूध दिया इन्होंने। 128 का है डॉक्टर, सारी गोमाता आप आनंद करते हुए देख सकते हैं, बीच में पेड़ लगाए हुए हैं। और ये है हमारे थार पार्क की श्वेत सुंदरिया, उधर आप देखिए जो ऑर्डर क्वालिटी गाय की फर्स्ट सेकंड ब्यात में भी, और सारी बछड़िया भी जो तैयार हो रही है वो आपके सभी सामने है। दोस्तों, एक अच्छा फार्म है। अभी वर्तमान में जो भी दूध दे रही है उसकी सबसे ज़्यादा दूध कौन सा, 140 125 का, 128 का। हाँ, ब्याउन वाली है, 118 है, 118 जो अभी दो चार दिन में ब्याने वाली है। तो थार पर गाय में बहुत अच्छी क्षमता है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, 125 नंबर है। मोर देवता आ जाते बीच में, 125 नंबर, ये 35 नंबर, ये भी अभी काफ़ी हुई है इसकी। 135 का दूध अभी कितना हो रहा है, 35 का हो रहा है, अभी 16 लीटर दूध है। तो अभी दूसरे ब्याज में भी अच्छा अच्छा दूध है गायों का, तीसरे ब्याज में जाते हुए भी। तो आप दोस्तों को थार पार्क ब्रीडिंग सेंटर का एक विहंगम दृश्य, बड़े दिनों से आपको दिखा नहीं पा रहे थे, 130 नंबर, तो आपको भी काफ़ी हुई दिखा देते हैं। और ये है 130 नंबर जो मेन गाय, 7-8 गाय तो जबरदस्त है दोस्तों, जिनका 16 से 24 लीटर तक का दूध है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये बछड़े और बछड़िया जो अच्छी तैयार हुई है वो थार पार्क ब्रीडिंग सेंटर की, और साइड में जो नंदियों के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है वो है। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आपका, आपका समर्थन इसी प्रकार बना रहे। आप सभी दोस्तों का हमेशा आभारी रहूँगा कि आपने इस मुकाम तक हमें पहुँचाया है। जय गो माता, जय गोपाल।